अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश, जो कि है पेज नंबर 82 पे। तो फिर आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब्स किसे बोलते हैं। तो फिर एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, समटाइम्स नाउन और प्रोनाउन। तो फिर जो ये एडवर्ब है, ये क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या दिखाने के लिए, वर्ब और एडजेक्टिव दिखाने के लिए। कभी कभार ये इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और फिर याद रखना, हमेशा एडवर्ब में क्या लगता है, हर वर्ड के साथ एल वाई लगता है, ठीक है, यानी कि एल वाई ली लगता है। तो फिर ये जो वर्ड्स है आर ऑल एडवर्ब्स एंड दे टेल अस हाउ समथिंग इज डन। तो फिर ये जो एल वाई है, ये क्या है, ये जिस वर्ड्स के भी साथ हुआ तो फिर वो हमारा एडवर्ब्स बन जाता है, ठीक है। और ये एल वाई जिस वर्ड के साथ लगता है तो फिर ये हमें बोलता है कि कोई भी चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये थी इसकी डिफिनेशन। तो फिर हम आगे देखेंगे कि आगे कौन कौन से एक्सरसाइज और कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर जैसे पहला दिया हुआ है मोनो याउंड लाउडली। तो फिर जैसे लाउड, लाउड तो होता है तेज तेज से बोलना, ठीक है, यानी कि चिल्ला चिल्ला के बोलना। अब यहाँ पे लाउड के साथ क्या ऐड हुआ है, जैसे एल ओ यू डी लाउड है, ठीक है। तो फिर लाउड के साथ लाउड प्लस एल वाई क्या बन गया, हमारा लाउडली बन गया, ठीक है। जो मोनू था वो यॉन कर रहा था, यानी कि आह कर रहा था, कैसे, लाउडली, जोर जोर से। तो फिर इसने हमें क्या दिखाया कि ये जो मोनू है वो कैसे कर रहा था, ठीक है। जैसे लाउड तो हुआ तेज, अब यहाँ पे दिया हुआ है लाउडली, जोर जोर से। अब उसी तरह दिया हुआ है द फ्रॉग जंप्स क्विकली। जैसे अगर सैंपल हम क्यू यू आई सी के क्विक लिखें तो फिर क्विक होता है जल्दी जल्दी, अप हुआ क्विकली, तो फिर क्या हुआ, जल्दी से। जो ये फ्रॉग था वो जंप्स कर रहा था जल्दी जल्दी, यानी कि इसने हमें क्या दिखाया कि इसने जो एक्शंस किया वो कैसे किया, ठीक है ना। जैसे कि ये फ्रॉग ने जंप किया जल्दी जल्दी, समझ में आया, उसी तरह। और यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, हमारा एल वाई, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ क्या ऐड हुआ है, हमारा एल वाई। तो फिर हमने पहले ही बोला कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव उनके साथ क्या लगेगा, एल वाई लगेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह लाउडली टेल अस हाउ मोनू यॉन, जैसे ये लाउडली है, यह हमें बताता है क्या कि जो मोनू था वो कैसे याउन कर रहा था, वो जोर जोर से कर रहा था ना, ठीक है। तो फिर इससे हमें पता चला कि उसे नींद आ रहा था जोरों से। तो फिर क्विकली टेल अस हाउ द फ्रॉग जंप, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये भी हमें बोलता है कि ये जो फ्रॉग था वो कैसे उछलता है, ठीक है। वी एड एल वाई टू एन एडजेक्टिव टू मेक इट एन एडवर्ब। हम एल वाई किसी भी वर्ड के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं ताकि हम उसे क्या बना सके, एडवर्ब बना सके। जैसे ये लाउड, ये क्या है, इसकी सिफत, जैसे कि यहाँ पे ये मोनू ये यॉन कर रहा था लाउड, ये क्या था, ये इसकी एडजेक्टिव था, यानी कि ये इसकी क्वालिटी दिखा रहा था, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, लाउडली, लाउडली। अगर ये सिर्फ लाउड ही होता, मोनू यॉन लाउड, तो फिर ये हमारा एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाउडली आया, एल वाई एड हुआ, तो फिर ये हमारा एडवर्ब बन गया। उसी तरह क्विक के साथ एल वाई लगाने से क्विकली। समटाइम्स द वाई चेंज टू आई व्हेन वी एड एल वाई टू द एडजेक्टिव्स। लेकिन अक्सर कभी कभार क्या होता है, ये जो वाई अगर किसी वर्ड के लास्ट पे वाई ही आता है, हमने तो पहले बोला कि इनके साथ एल वाई लगेगा, लेकिन कोई वर्ड्स ऐसा होता है जिसके लास्ट पे ही वाई होता है, ठीक है।
तो फिर ये क्या हो जाता है, ये वर्ड रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आई के साथ, और फिर ऐड होता है एल वाई। ये वाई रिप्लेस हुआ आई से और फिर से क्या ऐड हुआ, एल वाई। जैसे एल इज एड वाई लेजी, लेजी किसे बोलते हैं, जो डल डल काम करता है, जो बहुत सुस्त होता है, ठीक है। तो फिर उसका क्या आएगा, एडवर्ब लेजीली, तुम बहुत लेजीली काम क्यों करते हो, यानी कि तुम बहुत आलसी से सुस्ती से काम क्यों करते हो, हमने ये पूछा, ठीक है। तो फिर जो ये वाई हुआ, ये एल ए जेड आई हुआ, फिर एल वाई हुआ, समझ में आया। उसी तरह लेजी, जैसे ब्यूजी, यहाँ पे भी इस वर्ड के भी एंड पे क्या है, वाई है। तो फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, अगर कोई वर्ड्स ऐसा होता है जिसके लास्ट पे वाई होता है, तो फिर वो आई रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आई के साथ। ये वाई रिप्लेस होता है आई के साथ और ये क्या बन गया, बिजीली, ठीक है। तो फिर आई होप कि आप लोगों को एडवर्ब्स किसे कहते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। एडवर्ब्स हम किसी भी वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनके एक्शंस, जैसे वो क्या कर रहा है, ये हम बोल सके। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे एल वाई होगा, तो फिर ये हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो एडवर्ब है। तो फिर जैसे ये हमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, सर्कल एल वाई वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। जो भी वर्ड्स एल वाई के साथ होगा, हमें उनको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे पहला अनुभव, स्पीक्स पोलाइटली, जो अनुभव था वो क्या, बहुत नरमी से, बहुत पोलाइटली बात करता था, ठीक है। तो फिर पोलाइटली को पहले से क्या क्या हुआ है, सर्कल हुआ है। अब उसी तरह आता है सिया इट स्लोली, जो सिया है वो धीरे से, अब स्लो तो नहीं है ना, सिया इट स्लो नहीं है ना, अब क्या है यहाँ पे एल वाई, स्लो, सिया इट स्लोली, जो सिया थी वो खाना खाती थी क्या, धीरे से, ठीक है। तो फिर ये धीरे से हमारा क्या बन गया, एडवर्ब, स्लोली, हमने पहले ही बोला एल वाई होगा, तो फिर वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब। द चिल्ड्रेन जम्प्ड हैप्पीली, जो ये बच्चे थे वो जम्प्ड कर रहे थे खुशी से। तो फिर इसके भी क्या एच है, पी पी वाई, हैप्पी आता है, ठीक है। तो फिर हमने इस वाई को फिर से क्या किया, रिप्लेस किया, यानी कि बदल दिया, ठीक है, किसके साथ, आई के साथ। फिर हमने क्या लिखा, हैप्पीली, वाई को रिप्लेस किया आई के साथ, फिर हमने प्लस किया एल वाई, तो फिर ये क्या बन गया, हैप्पीली, जो ये बच्चे थे वो जंप कर रहे थे खुशी से। द सन शाइन्स ब्राइटली, इट, ठीक है, जो ये सन था वो चमक रहा था क्या, ब्राइटली, तेज तेज से, ठीक है, यानी कि चमकदार जैसा। इट इज रेनिंग हैवीली, जैसे फिर से एच ई ए वी वाई होता है, हैवी, फिर से ये वाई को बदल दिया है किसके साथ, आई के साथ, तो फिर ये क्या बन गया, हमारा हैवीली बन गया, ठीक है। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय एडिंग एल वाई टू डी वर्ड्स गिवन इन दिस ब्रेकर। अब ये जो वर्ड्स है हमें इन पे क्या लगाना है, एल वाई लगा के इनको एडवर्ब बनाना है। जैसे पहला, राज राइट्स नीटली, जैसे यहाँ पे ब्रेकर पे हमें क्या दिया हुआ है, नीट, नीट हम किसे कहते हैं, साफ साफ को, ठीक है। तो फिर जो राज था वो साफ साफ से लिखता है, ठीक है, यानी कि नीटली। उसी तरह द शर्ट फिट्स राम नाइसली, जो ये शर्ट था वो राम को आ रहा था कैसे, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसी तरह अब हमारा थर्ड वाला है, टीना सिंग्स डैश सिविल, तो फिर हमने क्या बोला, जो टीना थी वो क्या कर रही थी, गा रही थी कैसे, सिविर लीजिए, से एस डब्ल्यू ई ई टी सिविर, यहाँ पे जो सिविर है हमने वो फिर से लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या प्लस किया, एल वाई, तो फिर ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब, जैसे टीना सिंग सिविट, ठीक है। ये सिंग तो हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये सिविट क्या है, उसकी एडजेक्टिव है। तो फिर हमने क्या किया, इस एडजेक्टिव पे एल वाई लगा दिया, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया, सिवीटली, द कैट प्यूर डैश, तो फिर जो ये कैट था वो क्या कर रहा था, प्यूट कर रहा था कैसे। तो फिर हमने क्या बोला, जो ये कैट था ये क्या, मतलब जैसे
सोने की कोशिश। पुर कहते हैं जैसे केट जो आवाज निकलता है ना उसे कहते हैं, ठीक है। जो बिल्ली था वो पुर कर रहा था लेजीली। एले जेड, फिर वाई को हमने क्या किया, बदल दिया। हमने पहले ही बोला आप लोगों को जो ये वाई होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा आई के साथ, तो फिर एल वाई, ठीक है, लेजीली। मीना डांस, जो ये मीना थी वो डांस कर रही थी, क्या यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया हुआ है, तो फिर हम फिर से ब्यूटीफुल को तो लिखेंगे FUL फुल, तो फिर हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, फिर से एल वाई। जो ये मीना थी वो डांस कर रही थी। अब डांस यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये है हुआ हमारा वर्ब, ठीक है। और ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ, ब्यूटीफुल तो हुआ हमारा एडजेक्टिव। जब हमने इधर एल वाई लगाया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। समझ में आया। इसी तरह से जब भी हम किसी वर्ब या एडजेक्टिव्स पे एल वाई लगाते हैं तो फिर वो हमारा एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने एडवर्ब समझ लिया होगा। थैंक यू।